हाँ इमरान भाई, बच्चा तो सर रहा यार भाई, चलेगा तो ये इसका बाल निकलेगा। अच्छा ये देखिए भाई, पट करके किस तरह इसमें कहते हैं पट, ये पट का मतलब ये है कि हमने इसको बिछा रखा है। सही है, थोड़ा सा उठा के ना बखल रखा है, इसको घिसाई बांधनी है। वो खड़ा हो गया कैसे? इसी तरीके से यहाँ से घिसाई बांधनी है। वो ये खड़ा जो बोलते हैं खड़ा, जिसने तो धार मोटी हो जाती है, खराब हो जाता है, खराब हो जाता है। हाँ इस तरीके से घिस रहे हैं, बाल निकाल कर उसकी धार जो है ना गोल कर देंगे। सही, जिसके बाद लोहे को भी गाड़ देता है, पता है आपको? हाँ गोश्त दूर। ये कितनी कितनी बार इमरान भाई घिसे, एक जितनी बार इस तरह, इतनी बार इस तरह, अपने अपने अंदाज आपसे घिसते रहे के एक जैसा का साइड देखता रहे कि कहाँ तलक घिसा है, ये साइड देखा आपने चल। देखिए पकड़ा किस तरह, इसी तरह पकड़ना है आपको। हाँ ये हमारा हाथ बोला आ रहा है इसके ऊपर होता है, ताकि हमारा हाथ आगे नहीं जाए। सही, ये पकड़ा था हमने। सही, और ये तेंड में धार कैसे लाएंगे दादा? धार में उसका तरीका अलग है। उसका तरीका अलग। चलो इमरान भाई, किसके फिर आपको बताएंगे तरीका धार लाने का। ये पत्थर पे पानी भी लगा इसमें वक्फे वक्फे से, और ये पानी से जो है ना साफ हो रही है चिकनाई। चिकनाई सही, ये पत्थर साफ हो जाएगा, ये साफ हो जाएगा तो इसकी दिखाई भी सही होगी। सही, सही है। इसको हम अगले माल में सही करते हैं, सिद्धार आ जाएगी। हाँ इसकी जो खुरखुराट पन है ना वो सही कर लेंगे। ये हमने आड़े हाथ मारे, कौन सा हाथ मारे हमने? आड़े आड़े हाथ मारे। ये तरीके से इसकी जो खुरखुराट है ना, जिसके बारीक बारीक बताने होते हैं वो खत्म हो जाए, तो कहते हैं धार गोल कर दिया हमने। माशाल्लाह ये ब्लेड की तरह ये तैयार है हमारा सेट। छुरी भी इसी तरह की सही है, हल्के हाथों से, हल्के हाथों से घिसे। हाँ इसको प्यार प्यार से।